नमस्कार दोस्तों, काफ़ी महीने हो गए थे मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया था। दोस्तों मैं अपने बिजनेस के कारण थोड़ा बिजी था, तो आज मैं फिर से आ गया हूँ आप दोस्तों के लिए। तो दोस्तों आज हम सब चलेंगे सेवड़ माता मंदिर, जो कि बहुत ही खास है। चंदवाजी के निकट अजमेर बाईपास एक्सप्रेस हाईवे पर पूट का बास हुए बीलपुर गाँव की सीमा पर स्थित है यह मंदिर, जो कि क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र है। सेवड़ मंदिर जो कि शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा का ही रूप है यहाँ विराजमान है। आसपास देखेंगे तो बहुत ही प्रकृति के बीच स्थित ये मंदिर है। आपको इसके मंदिर के सामने रेतीले टीले और पहाड़ नज़र आएंगे, उसके साइड में भी आपको पहाड़ नज़र आएंगे, और बारिश के दिनों में तो यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमेशा जब मैं इधर से गुजरता था तो देखता था कि ये कितना शानदार जगह है, यहाँ पे कितना अच्छा और शांत वातावरण है। तो क्यों नहीं एक इस मंदिर में, मैं कभी गया नहीं था तो मैं आज मैं आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए ही मैं यहाँ पे आज चला गया, और मुझे भी माता शक्ति के सेवड़ माता के दर्शन हो गए। दोस्तों इसके इतिहास से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। सेवड़ माता जो कि दुर्गा माता है, तो वो जब एक बार भगवान शंकर के साथ भ्रमण कर रही थी तो उन्होंने निर्णय लिया कि जहाँ पे मेरे रथ का पहिया रुक जाएगा वहीं पर मैं विराजमान हो जाऊँगी। तो जब वो आ रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो इस स्थान पर आकर उनके रथ का पहिया रुक गया, तो वो यहीं पे विराजमान हो गई और यहाँ पे मंदिर बना दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर 200 साल से अखंड ज्योत जल रही है।
तो दोस्तों मेरा ये सेवड़ माता का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और जो दोस्त पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल घूमने पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कमेंट ज़रूर करते रहें दोस्तों।